हाय लीडर सब यू ऑल, कैसे हैं आप सब। और मैं जानता हूं कि हम सब इस इंडस्ट्री को बेटर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब लोग अपनी अपनी कंपनी को अच्छी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जब तक आप अतीत से सीखेंगे नहीं, पास से सीखेंगे नहीं, तो फ्यूचर के लिए कभी अच्छे फैसले नहीं ले पाएंगे। सीखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, आरएनडी करना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्री पे भी आरएनडी करना पड़ेगा, कौन सी कंपनी सक्सेसफुल हुई उस पर भी आरएनडी करना पड़ेगा, क्यों कंपनी सक्सेसफुल हुई उस पर भी आरएनडी करना पड़ेगा, क्यों कंपनी सक्सेसफुल नहीं हुई उस पर भी आरएनडी करना पड़ेगा, कितनी कंपनीज इंडस्ट्री में कामयाब है उस पर भी आरएनडी करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें खुल के बात करनी चाहिए इस इंडस्ट्री को बेटर बनाने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें समझना चाहिए, हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना चाहिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए। सिर्फ बिजनेस प्लान, कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस प्लान से काम चलने वाला नहीं है। बहुत सारी चीजों की मैं कह सकता हूं रिक्वायरमेंट रहती है इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए, इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज हमारी इंडस्ट्री 25 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया अगर हम बात कर रहे हैं, 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। और इस 25 साल में अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दूं या एक छोटा सा सवाल करूं, तो उसका जवाब आप लोगों को झकझोरने वाला होगा। उसका जवाब जब आप ढूंढोगे तो आप चिंतन करने लग जाओगे, आप सोच में पड़ जाओगे, आपको लगेगा अरे ऐसा कैसे। और वो सवाल पता क्या है, बहुत मामूली सा सवाल है, 25 साल में हिंदुस्तान में स्टेबल ग्रोइंग कितनी कंपनीज इंडियन कंपनीज बनी हैं। हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग में हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, हजारों तरह के बिजनेस प्लान्स हिंदुस्तान ने देखे, सबके अलग अलग बिजनेस प्लान, किसी का 5% कम, किसी का 10% ज्यादा, किसी का 15% ज्यादा, किसी का 2% ज्यादा, किसी का साइड वाला, किसी का डेप्थ वाला, किसी का बाइनरी का, किसी का मैट्रिक्स का, किसी को लेवल का, किसी का जनरेशन का, न जाने किसी का क्लब का, किसी का ऑटो का, पता नहीं कैसे कैसे प्लान्स इंडस्ट्री ने देखे। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां, हजारों कंपनीज पिछले 25 साल में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आई, हजारों बड़ी बड़ी प्रोफाइल की कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में आई। हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क के नाम से इस इंडस्ट्री में आई। लेकिन कितनी कंपनी सक्सेसफुल हो पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं कहूं 25 साल में आप 25 कंपनीज के नाम गिनाइए जो सक्सेसफुली चल रही हैं और नेशनल लेवल पे चल रही हैं, डोमेस्टिक या एक स्टेट या दो स्टेट चार स्टेट नहीं, पूरे इंडिया में जिन कंपनीज का नेटवर्क है, ऐसी 25 कंपनीज गिनते गिनते शायद 10 12 13 14 या 15 के बाद आप रुकना शुरू हो जाएंगे। अगला नाम लिखने में आपको कुछ समय लगेगा, उससे अगला लिखने में और थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, उससे और अगला लिखने में आपको और थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, उससे और अगला लगने में आपको और थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। समय समय पे कुछ बड़ी और सक्सेसफुल कंपनीज इस इंडस्ट्री ने दी, और उन्हीं सक्सेसफुल कंपनीज और मैनेजमेंट की वजह से मैं कह सकता हूं आज डायरेक्ट सेलिंग ग्रो कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग पे स्टेबिलिटी आई है, डायरेक्ट सेलिंग में ट्रस्ट आया है लोगों का, वो कंपनीज हकदार हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके साथ हमें भी कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ कंपटीशन करने का एक फायदा होता है कि आप भी बेहतर प्लेयर होते हैं। वो कंपटीशन अलग कहानी है, पर उनके हिस्से क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को अच्छा बनाने में मदद की है, इस इंडस्ट्री में ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद की है, इस इंडस्ट्री को ग्रोथ देने में मदद की है, लोगों की हॉप्स लोगों के ड्रीम्स को पूरे करने में मदद की है। अब मैं जो कहना चाहता हूं उसे जरा गौर से समझिएगा दोस्त। सबसे पहला पॉइंट, 1995 एक इंडियन कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखती है, अच्छी कंपनी बड़ी कंपनी इंडस्ट्री में कदम रखती है। जब वो इंडस्ट्री में आई तो अगले 2-3 सालों के अंदर न जाने कितनी सैकड़ों हजारों कंपनीज रजिस्टर्ड हुई होंगी, सेम तरह के कॉन्सेप्ट के साथ, सेम तरह के बिजनेस प्लान के साथ, सेम तरह के प्रोडक्ट के साथ।
लेकिन अगर आज मुड़ के आप देखोगे 1995 से लेके 1999 तक 4 साल में बनी हुई कितनी कंपनियां सक्सेसफुल हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। एक समय जिन्होंने उस कंपनी के नाक में दम कर दिया होगा, कम्पीट किया होगा, पसीना बहा दिया होगा, लगा होगा ये कंपनी पुरानी और बड़ी कंपनी को सर्वाइव नहीं करने देगी, लेकिन 4 या 5 साल में ऐसा कुछ हुआ कि वो कंपनी जो कंपटीशन दे रही थी, नाक में दम कर रही थी, वो कंपनीज मार्केट में ही नहीं थी और पुरानी कंपनी और बड़ी हो गई। 2000 में फिर एक दिल्ली से कंपनी बनी, सॉरी राजस्थान से एक कंपनी बनी। वो कंपनी आइडियोलॉजी लेके आई, वो कंपनी प्रोडक्ट्स लेके आई, वो कंपनी एक अलग जोन लेके आई, उस कंपनी ने सर्वाइव किया। एक समय आया SOBM जैसी कंपनियां, राजस्थान से ही कई कंपनीज बनी जो उसको कंपटीशन दे रही थी। मैं आज भी डायलॉग जानता हूं, उस कंपनीज के लीडर्स और मैनेजमेंट एक डायलॉग मारते थे कि हमारी कंपनी का बाथरूम इतना बड़ा है जितना बड़ा उस कंपनी का ऑफिस भी नहीं है। मैंने सुना और लगता था कि ये कंपनीज पता नहीं कितना बड़ा कंपटीशन देंगी, SOBM जैसी कंपनीज, ऐसा लगता था पता नहीं कितना कंपटीशन देंगी और ये छोड़ेंगी नहीं इस कंपनी को, ये यही कंपनियां बड़ी बनेंगी। लेकिन जब 5-7 साल गुजरे, 8 साल गुजरे, तो उसके बाद वो कंपनीज जो उस कंपनीज को कंपटीशन दे रही थी उनमें से कोई कंपनी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थी और वो कंपनी जो राजस्थान से बनी थी उसने अपना झंडा लहराया और वो कंपनी ग्रो कर गई, कंपटीशन में सर्वाइव करने वाली, जीतने वाली कंपनी बनके वो कंपनी उभरी। ऐसे ही 95 में बनी एक कंपनी, वो भी इसी तरह के कंपटीशन को विन करके लीडर बनके उभरी। फिर हम बात कर रहे हैं 2004 में दिल्ली से एक कंपनी बनी, हमारी कंपटीटर भी रही, आज भी है, कल भी रहेगी हम उम्मीद करते हैं। और उस कंपनी ने जब वो कंपनी बनी तो उस कंपनी के समय पे भी न जाने कितनी कंपनीज बनी जो वैसे ही प्रोडक्ट बेचने की बात करती थी, जो वैसा ही प्लान लेके आई थी, जो वैसी बहुत सारी चीजें थी, जो उनसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के दावे करती थी या बहुत सारी चीजें करती थी। लेकिन जब 5 में 6 में 7 में बहुत सारी कंपनियां बनी, लेकिन आज हम देखते हैं, शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि 2004 में 5 में 6 में 7 में कौन सी कंपनीज ऐसी थी, उनके नाम क्या थे जिन्होंने उन्हें कंपटीशन दिया था, आप शायद नाम भी नहीं जानते होंगे। उस कंपनी ने भी अपने समय में उठने वाले हर कंपटीशन के बीच में सर्वाइव किया, जीती और आज एक बड़ी कंपनी के तौर पे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी पहचान रखती है, उसकी मैनेजमेंट भी, उसकी कंपनी भी, और ये एक तारीफ की बात है। उसके बाद 2008 में पंजाब से एक कंपनी बनी, उस कंपनी ने भी बहुत सारे कंपटीशन देखे, अलग एक जोन पे गई, आयुर्वेदा को लेके आई, वो भी कंपनी अच्छी कंपनी रही और 2008 में न जाने कितनी कंपनीज पंजाब से बनी जिन्होंने उसे कम्पीट किया, न जाने कितनी कंपनीज नॉर्थ इंडिया से बनी, दिल्ली से बनी, राजस्थान से बनी जिसने उसे कम्पीट करने की कोशिश किया। पूरे इंडिया में उस दौरान में हजारों कंपनियां खुली जिन्होंने उसे कम्पीट करने की कोशिश की, लेकिन वो कंपनी अपने जोन के सब 4 या 5 साल ऐसा लग रहा था कि इस कंपनी को कोई नहीं छोड़ेगा, जो भी कंपनी बन रही थी उसी कंपनी को टारगेट कर रही थी। लेकिन 4 या 5 साल में बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि बाकी कंपनीज मार्केट में नहीं रही, वही उस समय की कंपनी है। आज मैं वादे के साथ कह सकता हूं, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप मुझे बताइए 2008 में और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो 2008 में 9 में 10 में बनी और जिन्होंने उसे कंपटीशन दिया और आज उनके नाम आप जानते हैं, शायद नहीं जानते होंगे, शायद आज नहीं जानते होंगे। 2012 में कोई कंपनी बनी, उसने ग्रोथ ले लिया, यानी कि 25 साल में 25 कंपनीज ही सर्वाइव कर पाई ढंग से, जिनके आज नाम बड़े हैं, जो कंपनीज नेशनल कंपनीज हैं, जिनके टर्नओवर सैकड़ों करोड़ में हैं, ऐसी गिन के आप 25 कंपनियां ही ढूंढ पाएंगे जो हिंदुस्तान में बनी हैं। ये सोचने वाली बात है, हजारों कंपनीज में से सिर्फ 25 कंपनीज, शायद हो सकता है लाखों कंपनीज बनी हों और उसमें से सिर्फ 25 कंपनी बड़ी बनी। रीजन क्या है? कोई तो रीजन होगा। 2016 में ओके लाइफ केयर आई, ओके लाइफ केयर एक नेशनल कंपनी के तौर पे उभरी, बहुत सारे कंपटीशन देखे, बहुत सारे लोगों के साथ हमने कंपीट किया, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कंपीट किया, ग्रो किया। बहुत सारी कंपनीज 2016 में 17 में 18 में 19 में 20 में बनी, 21 में बनी, 22 में बनी, उन सब ने हमें कंपीट किया। आप देखिए जो 2016 17 18 में हमें कंपीट कर रहे थे वो आज नहीं है, मैक्सिमम वो प्लेयर्स आज नहीं है। जो 19 20 में हमें कंपीट कर रहे थे उनमें से भी कई प्लेयर आज
कहीं पीछे रह गए हैं। 20, 21, 22 में कुछ लोगों ने कम्पीट करने की कोशिश की, उनमें से कई प्लेयर नहीं है, कुछ आज भी कम्पीट कर रहे होंगे, कुछ कल कम्पीट करेंगे, कुछ परसों कम्पीट करेंगे, कुछ 2 साल बाद कम्पीट करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 2025 में कौन कम्पीट करेगा, 2027 में कौन कम्पीट करेगा, 2028 में कौन कम्पीट करेगा, 2030 में कौन कम्पीट करेगा। जो 2030 में भी आपको कंपटीशन देगा वही कंपटीटर है, बाकी तो कंपनीज हजारों खुलती हैं और बंद हो जाती हैं। कौन दे पाएगा, कौन नहीं दे पाएगा, कौन सी कंपनी चली, इसको समझने के लिए हमें पिछली कंपनीज को समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हमें जो पुरानी कंपनियां सक्सेसफुल हुई हैं, जो 2025 कंपनीज सक्सेसफुल हुई हैं, वो कंपटीशन को कैसे चीर के आगे निकली, और बाकी की जो कंपनियां एक समय में उनसे बड़ी बनती हुई नजर आ रही थी, जो उनको बहुत थ्रॉट कट कंपटीशन दे रही थी, जो लग रहा था कि इनके आगे ये पुरानी कंपनियां नहीं टिकेंगी, वो कंपनियां मार्केट से क्यों बाहर हो गई और ये कंपनियां क्यों बड़ी हो गई, उसके पीछे क्या वजह थी, वो वजह हमें समझनी होगी। फिर हमें समझ में आएगा क्या ओके लाइफ केयर का आने वाला कल है, क्या कंपटीटर्स इसके मुकाबले में टिकेंगे या नहीं टिक पाएंगे, ये समझना होगा। नंबर वन, ये कंपनीज अपने समय की किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने में, अपग्रेड करने में, पैकिंग अपग्रेड करने में आगे थी, रेट को दूसरी कंपनियों से अफोर्डेबल मेंटेन करने में आगे थी, एक रीजन। दूसरी वजह, इन कंपनियों ने अपने टॉप लीडर्स के बीच में राजनीति के बीज नहीं बोए, उन्होंने अपने टॉप लीडर्स को इकट्ठा रखने की कोशिश की, उनको साथ में लेके चलने की कोशिश की, और उसी की वजह थी जब ज्यादा लोगों ने मिलके सामूहिक प्रयास किया तो ये कंपनियों में स्टेबिलिटी आती चली गई। यानी कि इन्होंने अपनी लीडरशिप में ट्रस्ट बिल्ड करने पे बहुत काम किया, इन्होंने अपनी लीडरशिप को कैरी करने पे बहुत काम किया, इन्होंने नए लीडर्स को लाने के लिए पुराने लीडर्स के कंधों पे, उनके सिर पे पैर नहीं रखा, नए लीडर्स को उनकी जगह दी और पुराने लीडर्स को उनका सम्मान दिया। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है उन कंपनीज ने बैलेंस बनाने में। इन कंपनीज में अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना के बराबर हुई, ट्री शिफ्टिंग ना के बराबर हुई, लोगों की टीमों को तोड़ना ना के बराबर हुआ, इन टीमों में, इन कंपनीज में वो चीजें ज्यादा स्टेबल रही जो पे आउट्स टाइम पे दिए, कंपटीशन के प्रेशर में आके अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं की, जिस थॉट, जिस आइडियोलॉजी के साथ वो चले उसी थॉट, उसी आइडियोलॉजी को लेके चलते रहे, लीडर्स को अचीवर बनाने के लिए लगातार प्रयास किया। ये बड़े रीजन थे इन कंपनीज के कंपटीशन से बाहर ना होने के, कंपटीशन में बने रहने के और कंपटीशन को जीतने के। लेकिन जो कंपनियां बाहर हुई उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने गलतियां की, मौके के अनुसार खेले, लीडर टू लीडर खेले, लीडरों को भिड़ा के टर्नओवर करने के लिए खेले, एक दूसरे की टीमें इधर उधर करके खेले। ये वो कंपनियां थी जिनके लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, वो थी टर्नओवर, यानी पैसा, पैसा शान दाम दंड भेद जो भी प्रयोग करके हो सकता था उसे करने का प्रयास किया गया, लीडर्स को डिमोट भी किया गया, लीडर्स को साइडलाइन भी किया गया, लीडर्स को बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिस पे काम हुआ, लीडर्स की टीमें भी इधर से उधर की गई, लीडर्स को छोटा भी दिखाया गया, क्योंकि इनके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, जो इनकी टेबल पे बैठ के धंधे की बात करता है वही माई बाप हो जाता है। ये वो कंपनीज होती हैं, दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक वो कंपनीज होती हैं जिनका सबसे पहले डिसाइड होता है प्रोडक्ट क्या बेचा जाएगा, प्रोडक्ट के बाद डिसाइड होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद डिसाइड होता है इस पर टैक्सेस कितने जाएंगे, पैकेजिंग कॉस्ट क्या आएगी, उसके बाद डिसाइड होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या आएगी, मैनेजमेंट कॉस्ट क्या आएगी, उसके बाद डिसाइड होता है ये परसेंटेज बच गया इसे बांटा जा सकता है। यानी कि प्लान इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रोडक्ट क्वालिटी, टैक्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर उस पर प्लान बनाया जाता है कि इस पर 10% डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या 20 या 25 या 30 या 40 या 50, जितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उतना उसका बीवी दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी कंपनीज क्या होती है, दूसरी कंपनीज वो होती हैं पहले प्लान बनाएंगे, प्लान में इतना बटेगा, फिर टैक्स देखेंगे कितना जाएगा, फिर खर्चे देखेंगे कितना जाएगा,
फिर जो परसेंटेज बच गया उसमें क्या प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, यानी कि सबसे कम खर्चा प्रोडक्ट को बनाने पे होगा, सबसे कम परसेंटेज प्रोडक्ट को बनाने पे होगी। जब कम परसेंटेज प्रोडक्ट को बनाने पे होगी तो वो प्रोडक्ट थर्ड क्लास होगा, वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं टिकेगा, वो प्रोडक्ट पैकेजिंग में मार खा जाएगा, प्राइसिंग में मार खा जाएगा, क्योंकि आप कम का प्रोडक्ट बना के, आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बना के अगर उसे 500, 700, 1000 रुपए का बेचने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू फॉर मनी डिलीवर नहीं करेगा। ये एक बड़ा रीजन है। आपको प्राइस में कंपिटिटिव रहना पड़ेगा, आपको प्लान में कंपिटिटिव रहना पड़ेगा, लेकिन प्लान और प्रोडक्ट में कंपिटिटिव रहने के बाद या बेटर रहने के बाद आपको प्रॉफिटेबल भी रहना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, आप कितने प्लान में कंपिटिटिव हो जाएं, आप कितने प्रोडक्ट में कंपिटिटिव हो जाएं, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तो गेम से बाहर हो जाएंगे। और मैक्सिमम कंपनियां एक ही गलती करती हैं, टर्नओवर आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, शाम से, दाम से, दंड से, भेद से, पावर लेग देके, पोजीशन देके, सेटिंग देके, ये करके, वो करके, वो सब कुछ करके टर्नओवर करने की कोशिश करते हैं, और वो टर्नओवर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को खा जाता है, और वो प्रॉफिटेबिलिटी ना होना उनकी स्टेबिलिटी को खा जाता है। ऐसी कंपनियां जो मैनुपुलेशंस करती हैं, ऐसी कंपनीज जो रोटेशन पे चली जाती हैं, वो वक्त के साथ गेम से बाहर हो जाती हैं, कंपटीशन से बाहर हो जाती हैं। कंपटीशन में बना रहने के लिए, गेम में बना रहने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ग्रोइंग होने के लिए प्रॉफिटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपिटिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग आपके साथ पहले दिन जुड़े हैं उनको मान सम्मान रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, नए ब्लड को उसकी जगह देना, नए लोगों को उनकी उनको मौका देना, उनको सिखाना, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाना, एक अच्छी हायरार्की बनाना, एक अच्छा इवेंट ये बनाना, अच्छे इवेंट का कल्चर डेवलप करना, फैमिली कल्चर डेवलप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मैं आपको एक चीज बड़े दावे के साथ कह सकता हूं सर, ये जब आप चेक करोगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी। ओके लाइफ केयर को जो लोग आज कंपीट देने की बात कर रहे हैं वो इन चीजों पर खरे नहीं उतरते, वो लीडर्स में ट्रस्ट बिल्ड करने में कमजोर हैं, अपने ही लीडर्स के साथ राजनीति करते हैं, टीमों को इधर से उधर करते हैं, बाद में आए हुए को पिछले के ऊपर पोजीशन देके पुराने की इंसल्ट करते हैं, वहां पे प्रोडक्ट्स चैलेंजेस हैं, पे आउट चैलेंजेस हैं, लोग यहां तक भी जो हमें कम्पीट करने की बात करते हैं वो पे आउट को भी वैलेट में देने की बात करते हैं। इसका मतलब मैनुपुलेशन, इसका मतलब रोटेशन, यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ये समझ में आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे क्यों आने वाले समय में ओके लाइफ केयर कंपटीशन को विन करने वाली है, क्यों आज कोई भी कंपटीटर है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। साल, दो साल, तीन साल का कंपटीशन कभी आता रहता है, आज कोई और दे रहा है, कल कोई और दे रहा है, परसों कोई और दे रहा है, उसके बाद कोई और देगा, ऐसे में कभी नहीं घबराना चाहिए। कंपटीटर बदलते रहे तो आप ग्रो करोगे, लेकिन अगर एक ही कंपटीटर आपको 10 साल, 5 साल, 15 साल कंपीट करे तो ये बहुत टफ कंपटीशन होता है, ये बहुत चैलेंजिंग कंपटीशन होता है। और ओके लाइफ केयर की एक ही चीज है, ओके लाइफ केयर 6.5 साल से बड़े प्लेयर्स को कंपीट कर रही है, रेगुलर कंपीट कर रही है, और ओके लाइफ केयर को पिछले 6.5 साल में कोई एक प्लेयर लगातार कंपीट नहीं कर पाया। क्यों? कोई एथिक्स में मार खा जाता है, कोई कैलकुलेशन में मार खा जाता है, कोई प्रोडक्ट में मार खा जाता है, कोई प्राइस में मार खा जाता है, कोई प्लान में मार खा जाता है, कोई लीडरशिप में मार खा जाता है, कोई अचीवमेंट में मार खा जाता है, कोई ब्रांडिंग में मार खा जाता है। आपको बेहतर करने का प्रयास करना है, आपको अपनी कंपनी को बेहतरीन बनाने का प्रयास करना है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप इतिहास उठाइए 25 साल का, एक समय में अमूमन एक ही कंपनी बड़ी हुई है, और बड़ी होने के लिए आपके पास प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, फॉर्मुलेशन अच्छी होनी चाहिए, प्राइस सही होना चाहिए, पैकेजिंग बढ़िया होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, लोगों के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मैं बहुत बातें करता हूं, बहुत सारे लोग हमें कंपीट करने की बात करते हैं लेकिन किसी ने भी कोरोना रिलीफ फंड नहीं दिया था, बहुत सारे लोग बात करते हैं लेकिन शायद ही किसी ने एडवांस आपको टूर्स का पैसा उस समय दिया हो कि हम टूर पता नहीं कब ले जा पाएंगे, पैसा ले लीजिए। न जाने कितनी बार हमने प्रूफ किया है, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में एक लीडर एक्सपायर हुए, हमने उसकी फैमिली को सपोर्ट करना है, हमारे यहाँ जितने भी लीडर्स आज मिस हैपनिंग का शिकार हुए उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करना, उनको डीपी अपना
ओके स्मार्ट देना, उनको आउटलेट खोल के देना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, वहां पे कोई कम्पीट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है और हमें खुशी होगी। कमाल की बात है, अभी मिजोरम में जो हाल चल रहा है उसमें हमने अनाउंस किया कि मिजोरम में चाहे आप बिजनेस कर पाओ नहीं कर पाओ, जो आपका पिछला 6 महीने का एवरेज पे आउट होगा कम से कम उसका 50% पे आउट हम मिजोरम की लीडरशिप को देंगे। ये आज मिजोरम के साथ है, कल आसाम के साथ हो सकता है, परसों हरियाणा के साथ हो सकता है, कहीं पे बाढ़ आ सकती है, कहीं पे सूखा आ सकता है, कहीं पे भूकंप आ सकता है। जो लोग आपके साथ सालों से महीनों से मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, अगर आप उनके प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, अगर आप उनका साथ देने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप कैसे एक फैमिली बॉन्ड की बात कर सकते हैं, कैसे आप फैमिली होने की बात कर सकते हैं। हमने हमेशा एग्जाम्पल पेश किया है और वो एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगेगा अगर बाकी की कंपनीज भी वैसा ही करेंगी, वो भी मणिपुर की लीडरशिप के लिए कुछ करें तो बहुत अच्छा लगेगा। कंपटीशन करना है तो एथिक्स के ग्राउंड पे करो, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे करो, प्रैक्टिसेस के ग्राउंड पे करो। अकेले प्रोडक्ट और प्लान के कंपटीशन से स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं आएगी। स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ देने की नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ लेके चलने की इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को एजुकेट करने की इंपॉर्टेंस बहुत है, लोगों को बिल्ड करने की इंपॉर्टेंस बहुत है, अपने टर्नओवर से पहले लोगों का पे आउट सोचने की जरूरत है। आपका टर्नओवर मैक्सिमम कंपनीज, हम इतना टर्नओवर कर रहे हैं, हम इतना कर लेंगे। हमने 6.5 साल में हमेशा बोला है हम हमारे लीडर्स के पे आउट के लिए काम करेंगे, उनकी सक्सेस के लिए काम करेंगे, उनके अचीवमेंट के लिए काम करेंगे, क्योंकि अगर हमारे लीडर्स सक्सेसफुल हो गए, उनके पे आउट्स बन गए, तो टर्नओवर तो बाई प्रोडक्ट है, टर्नओवर तो आएगा ही आएगा अगर ये लोग कामयाब होंगे, क्योंकि सेल के बिना कोई कामयाब नहीं हो सकता, वो तो होगी होगी, लेकिन आपके ब्रेन में अगर टर्नओवर चल रहा है तो उतनी ही ज्यादा चांसेस हैं आपकी मैनेजमेंट से गलतियां होने की, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके भटकने के, क्योंकि आप टर्नओवर करना चाहते हैं, उसके लिए बाय हुक बाय क्रूक शाम दाम दंड भेद गलत सही किसी का भी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंस होगी टर्नओवर। लेकिन जब आप किसी को अचीवर बनाना चाहेंगे, आप उसके साथ कुछ भी नहीं गलत होने देंगे। जब आप किसी को बड़ा बनाना चाहेंगे, आप उसके साथ कुछ भी नहीं गलत होने देंगे। आप नए को लेके आएंगे, उसको भी बड़ा बनाना चाहेंगे, उसके साथ भी गलत नहीं होने देंगे। आप लोगों को सही एजुकेशन, सही कल्चर, सही सिस्टम देने के लिए प्रयासरत रहेंगे आप, क्योंकि ये पीपल बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग इज ए पीपल बिजनेस। इसमें लोगों को, पीपल को आपको बिल्ड करना है, उन्हें कामयाब बनाना है, ये इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आज 2016 से लेके आज तक हम स्ट्रॉन्गेस्ट कंपिटिटर हैं किसी भी बड़ी कंपनी के, क्योंकि हमने समझौता नहीं किया, ना नियम से, ना नीति से, ना नीयत से, और यही आपको विजेता बनाएगी। अपने समय में आने वाली न जाने कितनी कंपनीज आके चली गई, न जाने कितनी और आके चली जाएंगी, क्योंकि जिन कंपनीज में प्रैक्टिसेस सही नहीं होंगी, अकेले प्रोडक्ट पे दम पे ये कंपनियां नहीं चलती, वरना हिंदुस्तान लीवर कोई बुरी कंपनी नहीं थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। अकेले प्लान के दम पे ये कंपनियां नहीं चलती, न जाने कितने अच्छे अच्छे प्लान आके खत्म हो गए। ये कंपनियां अच्छी मैनेजमेंट से चलती हैं, अच्छी इंटेंशन से चलती हैं, लोगों को साथ लेके चलने की नीयत से चलती हैं, लोगों को बड़ा बनाने की नीयत से चलती हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग टर्नओवर खेलने की कोशिश करते हैं, वो लोग गेम से बाहर हो जाते हैं। यही वो लोग होते हैं जो आगे चल के गलत प्लान को शुरू कर डालते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज रखनी है, यू आर ए कंपटीशन विनर। आप कंपटीशन को विन करने जा रहे हैं, और वो कंपटीशन तभी विन होगा जब आप एथिकल होंगे, जब आपकी प्रैक्टिसेस सही होंगे, जब आपकी सोच सही होगी, नीयत सही होगी, लोगों को आप बिल्ड करना चाहोगे, लोगों को आप सक्सेसफुल बनाना चाहोगे। ये प्रायोरिटी अगर आपकी मैनेजमेंट की नहीं है, ये प्रायोरिटी अगर आपकी कंपनी की नहीं है, मैनिपुलेशंस अगर आपकी कंपनी में होते हैं, तो आज नहीं तो कल आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, मार्केट से ही बाहर हो जाएंगे। मार्केट में बना रहने के लिए, मार्केट में टिकने के लिए, मार्केट में रूल करने के लिए आपको एथिक्स पे चलना पड़ेगा, आपको मैनिपुलेशन से बचना पड़ेगा, आपको राइट प्रैक्टिसेस पे आना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, यही उन कंपनीज ने किया है जो आज पिछले 25 साल में बड़ी बनके उभरी हैं। ऐसा नहीं है उन्हें कंपटीशन नहीं मिला, ऐसा नहीं है उन्हें नाको चने नहीं चुभाए गए, ऐसा नहीं है उनके ऊपर अटैक नहीं हुए, ऐसा नहीं है उनके लीडरशिप नहीं टूटे, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो कंपनियां बड़ी बनी, क्योंकि उनके फंडामेंटल स्ट्रांग थे, उनके प्रिंसिपल्स क्लियर थे। और यही ताकत आपकी है, यही ताकत आपको कंपटीशन में बड़ा बनाएगी, यही ताकत आपको जिताएगी।
और यही ओके का मकसद है कि अगली सबसे सक्सेसफुल कंपनी जिसमें सबसे बड़े अचीवर्स हों, सबसे बड़े अर्नर्स हों, सबसे बड़े नाम हों, वो हम बन के उभरे। इसलिए हम कभी भी टर्नओवर पे नहीं जाते हैं, एथिक्स पे जाते हैं, बिजनेस बिल्ड पे नहीं जाते हैं, लीडरशिप बिल्डिंग पे जाते हैं, अचीवमेंट्स पे जाते हैं, सिद्धांतों पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही आपको सेफ्टी सिक्योरिटी देगा। ये बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन प्लान का है, जो कंपनी आपके होते हुए ही मैनिपुलेशन करने लग जाए, जो कंपनी आपके होते हुए ही खेल खेलने लग जाए, वो कंपनी आपकी अगली जनरेशन को कभी सेफ्टी सिक्योरिटी और ग्रोथ नहीं दे पाएगी। सेफ्टी सिक्योरिटी और ग्रोथ उसी कंपनी में मिलेगी जिसमें पेन चेंज नहीं होते होंगे, जिसमें आईडियो के नाम चेंज नहीं होते होंगे, जिसमें ट्री शिफ्टिंग नहीं होती होगी, जिसमें मुंह देख के तिलक नहीं होता होगा, जिसमें नए और पुराने में अंतर नहीं होता होगा। उन्हीं कंपनियों में नेक्स्ट जनरेशन को स्टेबिलिटी और ग्रोथ मिल सकती है। और मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस होता है। जनरेशन प्लान मतलब प्लान फॉर जनरेशन, और ये उन्हीं कंपनीज में हो सकता है जहां मैनिपुलेशंस ना होती हो, जहां ट्री शिफ्टिंग्स ना होती हो, जहां पैन चेंज ना होते हो, जहां आईडी चेंज ना होती हो अनएथिकल तरीके से, जहां नए के आने से पुराने को गया गुजरा नहीं समझा जाता हो, जहां किसी को चिंटू चूरन नहीं समझा जाता हो, जहां इक्विलिटी के साथ काम होता हो, जहां ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता हो, वहीं पे ग्रोथ आती है। और इसी का नाम ओके लाइफ केयर है। एंड वी बिलीव इन इक्विलिटी, वी बिलीव इन ग्रोथ, वी बिलीव टू फॉलो द फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। यही कार्डिनल रूल्स होते हैं, यही आपकी ग्रोथ होती है। और मैं बिलीव करता हूं आप सब इस चीज को समझेंगे और अपनी अपनी तैयारी करेंगे। आज हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार ऑफर उतारा है जिसमें आपके पास काजीरंगा का एडीपी है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए काजीरंगा हम लेके आए हैं, आपके नॉर्थ के लिए हम लोग जिम कॉर्बेट लेके आए हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड यहां के लीडर्स के लिए हम दीघा में लेके आए हैं, और महाराष्ट्र और साउथ के लिए हम लोग लोनावला लेके आए हैं। तो आप लोग तैयारी कीजिए, हम लोग बहुत जल्द एडीपी में मिलने वाले हैं, हम अचीवर्स की लाइन लगाने वाले हैं, हम वो सारी तैयारियां करके बैठे हैं जिससे हम आने वाले समय में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पे आउट दें। एआरपी एक रिवोल्यूशन है, इससे बड़ा कभी कुछ हुआ नहीं है। आज के जो ऑफर्स हैं वो रिवोल्यूशन है, वैसे ऑफर्स कभी हुए नहीं है। आपके प्रोडक्ट एक रिवोल्यूशन है, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा रिजल्ट देने वाला अफोर्डेबल प्रोडक्ट मार्केट में पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और मैं सुपर 50 के साथ इस महीने आ रहा हूं ऑलमोस्ट हर जगह। आप लोग तैयारी कीजिए, हम लोग मिलके एक इतिहास बनाएंगे, हम लोग मिलके हिंदुस्तान के सबसे बड़े अचीवर्स बनाएंगे, हम लोग मिलके हजारों लोगों की जिंदगियों में पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। मेरा कमिटमेंट है आप लोगों के साथ कि हम मिलके एक नया आगाज करेंगे, हम मिलके एक नया आयाम हासिल करेंगे, हम मिलके लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाने का प्रयास करेंगे। आइए मिलके एआरपी पे फोकस करते हैं, छोटे छोटे जो ऑफर्स आते हैं उस पर फोकस करते हैं। और एडीपी वो चीज है जहां से बिजनेस को कैसे स्पीड से बिल्ड किया जाता है समझ में आता है। हमारी एडीपी मतलब बिजनेस कई गुना। आइए लग जाइए, मिलके एक नया इतिहास बनाते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।